السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो नेकोकारों का वली और मोमिनों का हामी है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं, वो कुदरत व अजमत वाला है। और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और मुकर्रम नबी हैं। ए अल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके आल और उनके तमाम साथियों पर दुरूद व सलाम और बरकतें नाजिल फरमा। हम्द व सलात के बाद, ए लोगो, जिस अजीम तरीन अम्र की हमें बाहम वसीयत व याद दहानी की ज़रूरत है, वह अल्लाह के अवामिर की तामील और नवाही से इज्तनाब करके अल्लाह अज़्ज़ा व जल का खौफ और तक़वा इलाही को अपने अंदर पैदा करना। यही तकवा हर किस्म की परेशानी से निकलने का रास्ता और नुसरत व गलबे का सबसे बड़ा जरिया है। इरशाद बारी ताला है, और जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए निजात की सूरत निकाल देता है। और फरमाया, और जो अल्लाह से डरता है वो उसके काम आसान कर देता है। नीज फरमाया, बेशक अल्लाह उनके साथ है जो परहेजगार हैं और जो नेकी करते हैं। अल्लाह के बंदो, खबरों में गर्दिश करने वाली अफवाहें जिनकी सेहत की कोई दलील नहीं होती और सच्चाई से जिनका कोई वास्ता नहीं होता, अफराद व माशरे के लिए नहायत ही खतरनाक होते हैं। ये अफवाहें मुख्तलिफ ज़राए इब्लाग में नामालूम ज़राए से फैलती हैं, जो कि खौफ व हरास को फैलाती हैं और वसी पैमाने पर फितनों और बुराइयों को हवा देती हैं। ये अफवाहें मुख्तलिफ अंदाज में फैलाई जाती हैं, ये अपने साथ खौफ व दहशत लिए होती हैं, बदअमनी फैलाती हैं, और मुसलमानों के हुक्मरान और उनके उल्मा की बुराई करती हैं, उन पर कीचड़ उछालती हैं। दर हकीकत इन खबरों के पीछे खबीस मकासिद और मफाद प्रस्ताना अहदाफ कार फरमा होते हैं। बेशक ये अफवाहें खतरनाक हथियार की मानिंद हैं, जिन्हें दुश्मन उम्मत को तबाह करने, उसकी सफों में तफरका डालने और उसकी वहदत को पारा पारा करने की गर्ज से फैलाते हैं। दुश्मन की दस्तावेजात में ये बात बहुत पहले कही गई है कि सहाफत हमारे हाथों में है, हम उसके जरिए इस कदर अफवाह और झूठी खबरें फैलाएंगे कि वो हकायक में बदल जाएंगी। तो ये अफवाहें दुश्मनान इस्लाम की तख्लीक है, जिन्हें वो रब्बानी तालीमात और इलाही कवानीन उसूल से दूर रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और दुनिया की तरक्की के साथ साथ अब ये अफवाहें फैलाना एक मुस्तहकम फन बन चुका है, जिसके मुस्तकिल उसूल व कवायद हैं, ताकि मुल्कों को सियासी, माशी, अखलाकी और जंगी व अमनी तौर पर बर्बाद किया जा सके। मोमिनों, अफवाहों के ताल्लुक से एक मुस्लिम को चाहिए कि इस्लामी मनहज व नुक्ते नज़र की पैरवी करे, जो शोर व आगही की दावत देता है और अफवाहों के मज़र्रात व नुकसानात का एहसास दिलाता है। इरशाद बारी ताला है, और जब उनके पास अमन या डर की कोई खबर पहुंचती है तो उसे मशहूर कर देते हैं, और अगर उसे रसूल और अपनी जमात के जिम्मेदार असहाब तक पहुंचाते तो उसकी तहकीक करते जो उनमें तहकीक करने वाले हैं, और अगर तुम अल्लाह का फजल और उसकी मेहरबानी ना होती तो अलबत्ता तुम शैतान के पीछे चल पड़ते सिवाय चंद लोगों के। मतलब ये है कि जब उन्हें कोई अहमियत का हामिल आम मामला पेश आ जाए, जिसका ताल्लुक अमन व अमान और मुसलमानों की खुशी से हो, या उसका ताल्लुक उस खौफ से हो जिसमें मुसीबत हो, तो उन्हें चाहिए कि उसे नशर करने में जल्दबाजी ना करें, बल्कि तहकीक से काम लें। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद
उसे हाकिमी वक्त के हवाले कर दें जो मामलात की हकीकत को जानते हैं। और इन खबरों के फैलाने के पीछे के मफादात और नुकसानात को समझते हैं। लिहाजा इस्लामी मनहज और नुक्ते नजर में खबरों को सुनते ही उन्हें फैलाने में जल्दबाजी करने की ममानियत है, बल्कि मामलात के हकायक और उनके नताइज पर गहरी नजर और गौर व फिक्र जरूरी है। अहले इल्म ने कहा है कि इसमें इस आयत के अंदर खबरों को जब तक उनकी सेहत की तस्दीक ना हो और उनको फैलाने से बेजरर होने का यकीन ना हो जाए नशर करने की ममानियत है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने हमें तहकीक व तस्दीक कर लेने का हुक्म फरमाया है। इरशाद बारे ताला है, ऐ ईमान वालो, अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई सी खबर लाए तो उसकी तहकीक क्या करो, कहीं किसी कौम पर बेखबरी से ना जा पड़ो, फिर अपने किए पर पशेमान होने लगो, फिर अपने किए पर पशेमान होने लगो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को जांच पड़ताल और तहकीक करने की तालीम दी है और उन्हें बगैर सोचे समझे खबरों को सुनकर नशर करने से डराया है और तंबीह की है। जैसा कि बुखारी और मुस्लिम में सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बंदा एक बार जबान से निकालता है और उसके मुतालिक सोचता नहीं कि कितनी कुफ्र और बेअदबी की बात है, जिसकी वजह से वो दोसख में इतनी दूर जा गिरता है जितना मगरिब से मशरिक दूर है। इसका मतलब ये है कि वो बगैर सोचे समझे बोल देता है, उसकी कबाहत का ख्याल नहीं रखता और ना ही उसके बुरे असरात और नताइज बद के बारे में गौर करता है। लिहाजा लोगों की सलामती और माशरे की सालमियत इसी में है कि वो नबी उसूल को मजबूती से थाम लें। जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो कोई अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो उसे चाहिए कि अच्छी बात कहे वरना खामोश रहे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खबरों की सदाकत मालूम किए बगैर उन्हें नशर करने से डराया है। जैसा कि इरशाद बारे ताला है, जामू लोगों ने गुमान किया आदमी की बहुत बुरी सवारी है, इसे इमाम दाऊद ने सही सनद के साथ रिवायत किया है। और जाम यानी ओहमो गुमान दरअसल इस मामले में किया जाता है जिसकी हकीकत से आशनाई हासिल ना हो सके, बल्कि वो शको शुबा और अंदाजे व तखमीने पर ही मबनी हो, जैसा कि अहले इल्म ने जिक्र किया है। ऐ मुसलमान भाई, आप शरीयत के इस कायदे को लाजिम पकड़ें, बुरे असरात और नताइज से बचाव के लिए जांच पड़ताल और छांट फटक करना जरूरी है। इरशादे बारी ताला है, वो कोई भी बात नहीं बोलता मगर उसके पास एक तैयार निगरान होता है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आदमी जिसे सही मुस्लिम ने रवायत किया है, जिसे इमाम मुस्लिम ने रवायत किया है कि आदमी के झूठा होने के लिए ही काफी है कि वह हर सुनी ही बात बयान कर दे। जो शख्स बगैर तहकीक के हर सुनी सुनाई बात आगे बयान कर देता है वो झूठ का शिकार हो जाता है। लिहाजा बेसरोपा खबरों के बुरे नताइज से बचो और गैर मुसद्दका इत्तलाआत के नशरो इशाअत से बाज रहो। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बिलाशुबह अल्लाह ने तुम्हारे लिए तीन चीजों को नापसंद किया है, कीलो काल, माल के ज़िया और कसरत सवाल। बुखारी और मुस्लिम। मुसलमानों, उम्मत मुसलमा की खसलतों में से एक ये है कि ये बाशऊर उम्मत है जो नशर होने वाली हर खबर को बगैर तहकीक व जांच के उसे सच नहीं मानती। लिहाजा एक मुसलमान की ये जिम्मेदारी है कि वह समझदारी और अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए दुश्मन के मज़मूम इरादों और चालों को अच्छी तरह भांपे और समझे। जैसा कि इरशाद बारी ताला है, यही असल दुश्मन है, बस उनसे होशियार रह। और फरमाया, क्यों ना जब तुमने उसे सुना तो मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों ने अपने नफ्सों में अच्छा गुमान किया और कहा कि यह सरीह बहतान है। अल्लाह के बंदो,
सनसनी खेज खबरों और अफवाहों के शर से बचाव तभी मुमकिन है जब दीन के मजबूत उसूल और तालीमात पर अमल किया जाए, हिकमत और गौर को बरूए कार लाया जाए, सूरत हाल का अंदाजा लगाया जाए, सही अंदाजा लगाया जाए, हुक्काम और जिम्मेदारान के साथ ताउन किया जाए और दीन व दुनिया की मसलहत में उठाए जाने वाले हर कदम में बाहम मुत्तहिद रहा जाए। तमाम लोगों पर वाजिब है कि वो सोशल मीडिया पर लायानी और बेसूद बहस मुबाहसा की जंग से किनारा कश रहें। तमाम लोगों पर यह भी वाजिब है कि ना हर चीखने चिल्लाने वाले के पीछे भागें और ना ही हर आवाज़ के पीछे दौड़ें। अल्लाह ने हमें उससे डराया है, इरशाद बारी तआला है और तुम्हारे दरमियान उनके जासूस हैं। अल्लाह ताला हमें और आप सबको ज़ाहिरी व बातनी फितनों के शर से बचाए। ऐ पैरवान इस्लाम, खुसूसन दौरे हाजिर जैसे फितनों और आजमाइशों के जमाने में सोशल मीडिया के इन मकालात व मजामीन से दूर रहें जो झूठे प्रोपेगंडों पर मुश्तमिल होते हैं, जिनमें बज़ाहिर उम्मत इस्लामिया के लिए इखलास और उसके मसाइल के तई सिद्क व सच्चाई नजर आती है, लेकिन हकीकत में ये मकाला निगारान उम्मत के लिए बड़े बड़े फितने, शदीद खतरात और सख्त आजमाइशें पैदा करते हैं। जब भी कोई आजमाइश सामने आती है उससे ये लोग माशरे के लिए फितने पर फितने पैदा करते हैं और आज की तारीख इसकी सबसे बड़ी दलील और गवाह है। ऐ उम्मत के लोगों, अब वक्त आ गया है कि मुसलमानों से शुरूर और फितन को दूर करने के लिए हुक्काम के साथ मिलकर ऐसा संजीदा और हकीमाना कदम उठाया जाए जिसमें ऐसे जोश व जज्बात ना हो जहां मामलात के पीछे पोशीदा इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ मनसूमा बंद फितनों की खबर ना हो। अब हमारे लिए वक्त आ गया है कि हम इत्तेहाद व इत्तेफाक का मुजाहरा करते हुए दुरुस्त और दानिशमंदाना तरीके इख्तियार करें जो शरीयत के आला मकासिद में पिन्हा है, ताकि हमारी जिंदगी मुनद्दम रहे, हमारा दीन गालिब रहे और हमारे मसाइल हल हों। चंद दिहाइयों पहले उम्मते इस्लामिया ने खोखले नारों और तहरीरों की वजह से कितने मसाइब झेले। इन नारों ने सिवाय वीरानी, बर्बादी, परेशानी और हिजरत के कुछ फायदा नहीं हुआ। उम्मते मुस्लिमा के लिए ज़रूरी है कि वो फितनों का मुकाबला समर आवर बाहमी ताउन ईमानी खुवत व नुसरत के साथ साथ हवायद शरीयत और उसूल हिकमत के मुताबिक करे, जिनको अपना कर इंसान अल्लाह पर सच्चे ईमान व यकीन की बदौलत मामलात वाज़ह अंदाज में देख लेता है और अवाकिब व नताइज का इदराक कर लेता है। इस्लाम और मुसलमानों की नुसरत व मदद के लिए जब नीयत सच्ची हो, अमल और जुद्दोजहद सुन्नत मुस्तफ़ा के मुताबिक दुरुस्त हो, मजबूत वादे मनसूबा बंद तसौर के मुताबिक हो, सिर्फ अच्छे जज्बात पर नहीं बल्कि इस्लाम के मजबूत उसूलों पर मबनी हो, तो अंजाम अच्छा होता है, नतीजा बेहतर सामने आता है और जिद्दोजहद का कामयाबी से हमकिनार होती है। लिहाजा ये क्या ही अजीम और अहम बात है कि आज हुकाम हो या आवाम, पूरी उम्मत इस्लामिया ने अपनी तवज्जो गज़ा के आलमी मसले की जानिब मब्दूल कर रखी है, जहाँ अहले गज़ा पर काबिज दुश्मनान इस्लाम सख्त मजालिम ढा रहे हैं, सबसे बड़ी दहशत गर्दी और ऐसे अजीम जराइम का इरतिकाब कर रहे हैं जिसकी कबाहत और संगीनी को बयान करने से अल्फाज कासिर हैं। लिहाजा मुसलमानों, आपस में मदद करो, एक दूसरे के साथ खैर खाही करो और अपने भाइयों की मदद हर उस चीज के जरिए करो जो तुम्हारे लिए मुमकिन हो, और ये सब कुछ अल्लाह के लिए इखलास के साथ करो, वो सिर्फ उसी की इबादत व बंदगी में करो, उसकी तरफ से नुसरत और इज्जत व गलबा की उम्मीद रखो, साथ ही इत्तेहाद व इत्तेफाक का पूरा ख्याल रखो और दुश्मनों के मकर व फरेब और उनकी चालों से होशियार रहो। रही बात उन लोगों की जो इस आजमाइश को तानो तशनी और फितने भड़काने का सबब बना रखे हैं, तो ये वही लोग हैं जो घात में बैठे दुश्मनों की राह पर चल रहे हैं। ये उम्मत बाहमी ताउन करने वाली, आपस में मोहब्बत व शफकत करने वाली, खुशी व गम को बांटने वाली, एक दूसरे की खैरखाई करने वाली और इखलास व सच्चाई के साथ पेश आने वाली उम्मत है।
ना कि अपने भाइयों को बेयारो मददगार छोड़ने वाली है, ना आपस में झगड़ा झड़ने वाली है और ना फरेब और धोखा देने वाली उम्मत है। इरशाद बारे तआला है, नेकी और तकवा पर एक दूसरे की मदद करो। बेशक ममलकत हरमैन शरीफैन की तासीस से ही यहाँ के हुक्मरान सोसाइटी उलमा और अवाम उम्मत के उन अव्वलीन अफराद में शामिल रहे हैं जिन्होंने फिलिस्तीन और वहाँ के बाशिंदों की नुसरत और ताउन के लिए सबसे शानदार और काबिल तारीफ कारनामे अंजाम दिए हैं। और ये काम उन्होंने खालिस इस्लामी जज्बे से सरशार होकर और अपनी दीनी जिम्मेदारी समझ कर किए हैं। और यही वो बुनियादी नजरिया है जिसकी वसीयत यहाँ के हुक्मरान एक दूसरे को करते आए हैं और जिस उसूल पर यहाँ का मुआशरा परवान चढ़ा है। लिहाजा इस मसले में ममलकत सऊदी अरब के खिलाफ कोई नहीं बोल सकता इल्ला कि कोई उसका छुपा हुआ दुश्मन हो या कोई हासिद हो जो मखसूस अहदाफ को हासिल करना चाहता है। और इस मुनासबत से हम उन तमाम लोगों से खादिम हरमैन शरीफैन की उस पेशकदमी पर लब्बैक कहने और गज़ा के भाइयों की बकदर इस्तदा ताउन करने की अपील करते हैं। अल्लाह खादिम हरमैन शरीफैन को इताअत वाली लंबी जिंदगी दे, उनको और उनके वलीहद को हुस्ने तौफीक से नवाजे। लिहाजा है मुसलमान ताजिरों, अल्लाह के वास्ते इस कारे खैर में सबकत करो और खूब खर्च करो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। और यही गुजारिश तमाम मुसलमानों से भी है कि अल्लाह ने जो आपको अता कर रखा है उसमें दिल खोल कर खर्च करें। इरशाद बारे ताला है, अल्लाह ही बेहतरीन कारसाज और मददगार है। तमाम तारीफ अल्लाह के लिए हैं जो कुदरत व ताकत वाला, कहर व जबरूत वाला, हर चीज़ की हिफाजत करने वाला और बहुत ज़्यादा मजबूत और कुव्वत वाला है। और मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो तन्हा है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं गवाही देता हूँ कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल है। या अल्लाह तो उन पर रहमत व सलामती नाजिल फरमा, उन पर, उनके अहलोयाल पर, उनके साथियों पर। हमारे रब ने फरमाया मुझसे मांगो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। आप खालिस दिल से दुआ करें, ए अल्लाह बेशक हम तेरी तरफ मुतवज्जा होकर तेरे प्यारे प्यारे नामों और बुलंद व बाला सिफात का वास्ता देकर तुझसे इल्तिजा करते हैं। ऐ गालिब रहने वाले, कमज़ोरों की मदद करने वाले, जालिमों को गारत करने वाले और मुतकब्बिरों को जेर करने वाले, ए अल्लाह तो जालिम सहयूनों को अपनी गिरफ्त में ले ले। ए अल्लाह तू जालिम सहीनों को अपनी गिरफ्त में ले ले। ए अल्लाह तू जालिम सहीनों को अपनी गिरफ्त में ले ले। ए अल्लाह तू अपनी कुदरत और गलबत की हैरत अंगेज निशानियां दिखा। ऐ किताबों को नाजिल करने वाले, लश्करों को शिकस्त देने वाले, बादलों को पैदा करने वाले, उन्हें शिकस्त दे, उन्हें खाइब व खासिर लौटा दे, उनके कदमों में इरतियाश पैदा कर दे, उनके दिलों में रोब डाल दे। ऐ हिफाजत करने वाली और मदद करने वाली जात, हमारे गज़ा और फिलिस्तीनी भाइयों को अपने हिफ्ज़ो अमान में ले ले। ए अल्लाह तो उनके आगे पीछे दाएं बाएं हर तरफ से मदद फरमा। ए अल्लाह उन्हें शजात व मजबूती अता फरमा, उनकी ज़बरदस्त मदद फरमा। अल्लाह उनके अज़्म व हौसले को बुलंद कर दे, उनके मरीजों को शफायाब कर दे, उनके फौज शुदगान पर रहम फरमा और उन्हें शहदा में से कबूल फरमा। ए अल्लाह हर जगह मुसलमानों की हिफाजत फरमा, उनकी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा कर दे, उनको हक और सुन्नत पर एकजा कर दे। ए अल्लाह तो मुसलमानों को अपने अपने मुल्कों में अमन अमान नसीब फरमा। ए अल्लाह जो अहले इस्लाम के साथ शर और बुराई चाहता है उसकी साजिश को उसी पर लौटा दे, उसकी साजिश को नाकाम बना दे और उसे उसी की तबाही का जरिया बना दे। ए अल्लाह खादिम हरमैन शरीफैन और उनके वली अहद को की हिफाजत फरमा, उन्हें तौफीक से नवाज, उनको दुरुस्त रास्ते पर कायम रख और उनके जरिए इस्लाम और मुसलमानों की नुसरत फरमा। ए अल्लाह तो मुस्लिम हुक्मरानों को ऐसे कामों की तौफीक दे जो उनके माशरे के लिए बेहतर और दीन की